हमारी सरकार की मजबूत नीयत के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर भरोसा है। हमने पहले भी किया है, आगे भी करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया, आगे भी करके दिखाएंगे, और फॉल्ट लाइन कुछ और है। खैर, दीपक झा मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपक भाई, बहुत स्वागत है आपका। दीपक भाई, आपसे भी वही सवाल मैं पूछूंगा। पाकिस्तान जोर शोर से कहता है कश्मीर हमारी शाहराग है, और इसी के लिए वो खुलेआम सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कहता है ये उनका हक है, वो जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और हम केवल एक काम करते हैं, ये पिछले कई सालों की बात है, हम केवल गिनते हैं कितने शहीद हुए, कितने हमारे बीच में नहीं रहे। एफएटीएफ में लगातार पाकिस्तान बना रहा, फिर भी पाकिस्तान की यह हिम्मत है कि वो ऐसे दिन हमला करवाता है जब हमारे यहां नई सरकार शपथ ग्रहण लेती है। क्या अब भी हम सबूत मांगे? देखिए, सबूत किससे मांगेंगे जब आपको पता है कि पाकिस्तान ये घटनाएं करवा रहा है और फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। राजीव भाई, सबसे बड़ी बात और हास्यास्पद बात यह है कि यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे। अरे भाई साहब, 10 साल सरकार को आए हो चुके हैं, और यहाँ पे एसपी वैद्य साहब भी एक बात बोल रहे थे, इनकी बात की मैं तारीफ करता हूँ कि बहुत देश की बड़ाई कर रहे थे। हम लोग उस भारत में है जहाँ भारत आज दुनिया किसी को भी आग दिखा सकता है, लेकिन ये भूल जाते हैं भारत 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुका था। ये भूल जाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जितनी बार आया है हमारे को आग दिखाई, हमने उसको धूल चटाई। तो भाजपा के प्रवक्ता और यहाँ पे जो भी पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की बजाय इस देश की तारीफ करें, इस देश की उस आबादी की तारीफ करें जो कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए आंख दिखाने को तैयार है। लेकिन आज हो क्या रहा है, मैं आपको एक आंकड़ों की बात करूंगा। जुमलेबाजी भाजपा करती है, मैं आंकड़ों की बात करूंगा। मनमोहन सिंह का 10 साल का आंकड़ा उठा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल का आंकड़ा उठा लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा लीजिए। तो जितनी आतंकवादी घटनाएं पिछले 10 सालों में हुई है, और जितनी आतंकवादी घटना अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुई थी, उतनी आतंकवादी घटनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में नहीं हुई थी। ये भाजपा की नहीं बात कर रहा हूं, ये सरकारी आंकड़ों पे, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे आंकड़े उपलब्ध है। और तो और बात छोड़िए, पिछले 18 महीनों में 29 आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में घट चुकी है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और बात कहती है हम ये कर देंगे, बात कहती है हम वो कर देंगे। कब करोगे भैया, कब करोगे? 56 इंची का सीना है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान में हम बात करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हो, चाइना की बात करते हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन आप आते हो, कहते हो कि हम पाकिस्तान के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, सेना के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आप सेना का पोस्टर लगा के वोट मांगने चले जाएंगे। मैं कहता हूं किसी भी मुद्दे पे राजनीति नहीं होना चाहिए। बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, भाजपा राजनीति करती है। नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, भाजपा राजनीति करती है। गरीबों को खाना नहीं मिलता, भाजपा राजनीति करती है। राम मंदिर पे भाजपा राजनीति करती है, सेना की शहादत पे भाजपा राजनीति करती है, और अंत में आगे कहती है कि हम राजनीति नहीं करेंगे। तो करोगे क्या भैया, कुछ तो काम करो, कुछ तो भाषणबाजी से देश को बचाओ। लेकिन आज सर्व की बातें हैं कि उरी हो जाता है, पठानकोट हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, गुरदासपुर हो जाता है, अमरनाथ पे बम विस्फोट हो जाते हैं, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं उस दिन आतंकवादी हमले हो जाते हैं। पिछले 7-8 दिनों में 3-4 घटनाएं और हो चुकी है, लेकिन भाजपा सरकार सो रही है। मुझे तो लगता है राजीव भाई, भाजपा और आतंकवादी कहीं भाई भाई तो नहीं है, कहीं इन दोनों में साठ गांठ तो नहीं है? इन दोनों के रिश्तों की भी जांच होनी चाहिए। भाजपा और आतंकवादियों का बहुत गमगीन आरोप लगा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे दुख है कि भाजपा सत्ता में बैठी हुई आतंकवादी गंभीर आरोप लगा दिया। आपने गंभीर आरोप लगा दिया, जल्दी से जवाब दे दीजिए जयराम भाई, उसके बाद मैं वकार भाई का रुख करूं। जी जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने धैर्य पूर्वक सुना, दीपक झा जी उसको सुनेंगे। भारत में बीते 10 वर्षों में ना तो कभी दिल्ली में धमाके हुए, ना बंबई में धमाके दिए हुए, ना रेलवे स्टेशन और बसों में, वो रिकॉर्डिंग हमने सुनी कि लावारिस वस्तु को ना छुइएगा धमाका हो जाएगा। और 2008 में जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था, उस हमले के बाद इन्होंने क्या किया? दीपक जी, धैर्य पूर्वक मैंने सुना था, सुन लीजिए। अमरनाथ, अरे भाई क्या तरीका, कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? शर्म करिए थोड़ी सी, शर्म करिए भाई, थोड़ी शर्म करिए। 10 साल में अब आपको जवाब देना पड़ेगा। 10 सालों में लगभग 3000 सभी दर्शक देख रहे हैं आप दोनों को ही, और दर्शक फैसला करेंगे कौन बेहतर है, कौन सही बात कह रहा है। नहीं नहीं, मैं बीच में चिल्लम चिल्ली नहीं करता। जितने जवान शहीद हुए हैं पिछले
10 सालों में उतना। राजीव जी मेरा काउंटर जवाब ले लीजिए, मैं वकार भट्टी साहब का रुख करूं नहीं तो। बोलना बंद करिए, अब आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा। दीपक जी सुन लीजिए जरा सा, सरकार की क्या रूपरेखा है बजाय इसके कि कब क्या हुआ। राजीव जी दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, उस गड्ढे में दीपक जी प्लीज सुन लीजिए, जाना पड़ेगा। इसीलिए दीपक जी सुन लीजिए दीपक जी, आपके ही कमेंट है, सुन लीजिए। भाजपा ही आतंकवाद, आपके ही कमेंट है, सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया था, जवाब ले लीजिए दीपक जी। ज्यादा जवानों की दीपक जी आपने आरोप लगाया था, जवाब ले लीजिए। आप आवाज बंद नहीं कर सकते हैं क्या? हम तो नहीं बोलते किसी के बीच में। काम की बात करिए, काम की बात करिए, सुनेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए जयराम भाई, आप बोलिए जयराम भाई, वो भी प्रवक्ता है, उनकी आवाज बंद करके मैं गलत संदेश नहीं दूंगा। आप जयराम भाई जवाब दीजिए, बीच में मैं भी बोलूंगा, फिर बोलिए बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। 8 की बात करना बंद करिए, ठीक है? ठीक है, वकार भट्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वकार भाई जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, सुन आप भी रहे, देख आप भी रहे इस वक्त, क्या भारत बहुत ज्यादा पेशेंस है भारत के अंदर? क्या भारत जवाब देने में इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ज्यादा देखता है, जिसकी आपको लगता है कि अब जरूरत नहीं है या फिर अभी बहुत जरूरत है? वकार अजभट्टी, थोड़ा थोड़ा सा सम्मान से। दीपक जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मैं आता हूँ वकार अजभट्टी साहब आपके पास, मैं आता हूँ। SP वैद साहब बड़ी देर से सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा SP वैद साहब से मेरी बात 1-to-1 हो जाए इस वक्त, क्योंकि इन चीजों में मेरा दर्शक सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पाएगा। SP वैद साहब, पाकिस्तान अपना वेस्टर्न जो फ्रंट है उसका, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है ड्यूरेंड लाइन, वहां पर अफगानिस्तान के साथ एक बड़े टेंशन में उलझा हुआ है पिछले कई दिनों से, और पाकिस्तान के पास फोर्स उतनी नहीं है जितनी भारत के पास फोर्स है, लिहाजा पाकिस्तान को अगर अपना वेस्टर्न फ्रंट संभालना था तो पाकिस्तान ने चालाकी से भारत के साथ सीज फायर की बात की। ये सीज फायर किसकी जरूरत है? ये भारत की जरूरत है या पाकिस्तान की जरूरत है? अगर किसी की जरूरत है तो इस सीज फायर किसने किया है, जिसकी आड़ में भारत में हमले होते हैं और पाकिस्तान अपना वेस्टर्न फ्रंट संभालता चला जा रहा है? देखिए राजीव जी, ऐसा है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट लाया, और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि सीज फायर अगर होता तो पाकिस्तान की इंटेंशंस अच्छी होती तो फिर ये इन्फिल्ट्रेशंस रुकनी चाहिए थी। और इन्फिल्ट्रेशंस जो है, पहले क्या होता था कि कवर फायर दिया करता था पाकिस्तान की फोर्सेस जो बॉर्डर पे थी, जब वो ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करवाते थे और उनकी कनाइवेंस, उनकी मर्जी से ये सारी इन्फिल्ट्रेशन की करवाई जाती थी, और उस वक्त जब हमारी फोर्सेस अलर्ट होती थी तो उन पर कवर फायर किया जाता था ताकि वो अपने अपने बंकर्स में घुस जाएं और ये टेररिस्ट क्रॉस कर जाएं। लेकिन आपने देखा सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उसका हालांकि एक फायदा मैं जरूर बताऊंगा कि दोनों तरफ के लोगों को, जो सिविलियन पॉपुलेशन है जो बॉर्डर पे रहती है, IB सेक्टर हो या LOC सेक्टर हो, उनको दोनों तरफ, इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ, राहत मिलती है, क्योंकि उन पर गोले गिरते हैं, गोलियां चलती हैं, उनकी घरों पर गोले गिरते हैं और गोलियां लगती हैं, उनके जानवर जख्मी होते हैं, उनको आराम जरूर मिला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सीज फायर बेसिकली, हमारा ये मानना है पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए किया है और हम उसकी चाल में आ गए। मेरे हिसाब से इस सीज फायर को इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने ये बात कही बिल्कुल सही, उनकी हालत जो वेस्टर्न फ्रंट है अफगानिस्तान, वहाँ रोज उनको पिटाई हो रही है, उनको जिस तरह से TTP रोज ठोक रही है, उनको जिस तरह से BLA ठोक रहा है, और पाकिस्तान आर्मी की बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है, चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे वो ये बलूचिस्तान का इलाका हो, या इवन POK का, बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल नहीं है,
और पाकिस्तान आर्मी की काफी खस्ता हालत है, वो अपनी पोस्टें डेजर्ट कर देते हैं जब उन पर हमले होते हैं, तो उनको ये सूट करता है बिकॉज वो फोर्सेस हमारे इस फ्रंट पे नहीं कमिट करना चाहते हैं, अल्टीमेटली इस सीज फायर का फायदा उनको, यानी हम इनडायरेक्टली उनकी मदद कर रहे हैं सर। यस यस बिल्कुल सही। इसका कोई हल है क्या? एलओसी एक्टिवेट नहीं हो सकती सर इससे पहले कि मैं वकारज भट्टी का रुख करूं अपनी पार्टी से? क्या हम एलओसी एक्टिवेट नहीं कर सकते? अगर वो हमें उलझा रहे हैं तो हम भी उनको ऐसा उलझाएं कि उनका सैंडविच बने, और बने तो ठीक है, कम से कम भारत में इस तरह की एक्टिविटी नहीं होंगी। बिल्कुल, इसको एक्टिवेट करना चाहिए, सीज फायर को इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं पहले भी कई बार इसका इस पॉइंट पर बोला हूं, और मैं समझता हूं इस सीज फायर को इमीडिएटली कैंसिल करके और जहां जरूरत हो अच्छी तरह से ठोकना चाहिए। दूसरा, जहां जहां हमें जरूरत है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ड्रोन, जो मैंने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो काफी रेंज वाले ड्रोन हैं उनको हम इस्तेमाल करें इनको इनके अड्डों को उड़ाने के लिए, इसके साथ साथ हमें जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं फौज के वो भी जगह जगह जहां जरूरत है वो करना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, वकारज भट्टी का रुख कर लेता हूं, बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं और उनसे संपर्क भी ठीक से नहीं जुड़ पा रहा था। वकार भाई, जो कुछ भी अभी जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, हम पहले देखते थे घाटी में बहुत ज्यादा इस तरह की वारदात होती थी, पिछले कुछ दिनों में घाटी बहुत बेहतर हुई है, घाटी से कई सारे मैसेजेस भी निकले हैं, लेकिन अब जम्मू में ये सारी एक्टिविटी होने लगी है, आखिर इस कत्लोगारत के लिए कभी तो जवाब देना होगा। कब तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखते हुए इंतजार करें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें? कमजोरी कहां नजर आती है वकार भाई आपको? कौन इंतजार कर रहा है? आपने राजीव जी 10 वर्षों में देखा नहीं हमारी सेना ने क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या जवाब दिया? ओ भाई, नेहरू का दौर नहीं है कि कश्मीर के मसले को? जयराम जी आता हूँ, पहले उनको सुन लूं, मैं उनको मौका दे रहा हूँ, मुझे बताए, वो भी अपनी पार्टी से हैं। जयराम जी, मुझे जयराम जी मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा, पूरा मौका आपको पहले भी दिया था, आप नोट कर लें, आप जवाब दीजिएगा। वकार एच भट्टी, आप जवाब दें। कांग्रेस पार्टी बेचती है क्या? आतंकवादियों के सिग्नल कौन भेजता है? कौन उनको मदद मांगने जाता है? पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमें मदद करिए। हेलो, वकारज भट्टी बोलें। जी बोलें, बोलें आप। बहुत थैंक यू सो मच सर, इन दोनों को चुप करें। जब दीपक झा का म्यूट आपने नहीं किया था तो मेरा क्यों म्यूट किया? ओ यार, बोलने मुझे दो ना यार, मुझे 2 मिनट बोलने दो ना, मैं भी हूँ टीवी। मैंने मेरे बीच में जब दीपक झा चिल्ला रहे थे तो एंकर ने क्यों नहीं मुझे समय दिया? इसी प्रकार जयराम जी पहली बात तो जयराम जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, दीपक झा का शत्रु नहीं हूं और वकार एच भट्टी का शत्रु नहीं हूं। अगर पूरी डिबेट डिरेल होती रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वकार एच भट्टी को सुनना चाहूंगा, और ये सारे फैसले मेरे स्तर पर नहीं हो रहे हैं। जयराम जी टीवी को समझिए, टीवी समझिए, ये फैसले एंकर के स्तर पर नहीं होते हैं। वकार एच भट्टी, आप जवाब दें। ये तरीका नहीं होता। नहीं, ये तरीका मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको भी नहीं करने की कोशिश की। अंतहीन बोलना चाहेंगे आप तो आप बोले, मैं आपको रोक नहीं सकता। विरोधी प्रवक्ता वकार एच भट्टी, प्लीज बोले, आप उसकी आवाज बंद नहीं करते। मैं विरोधी किसी की आवाज नहीं बंद कर रहा हूँ जयराम जी, आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं? हाँ लगा रहा भाई, लगा रहे हैं तो अपना आक्षेप अपने पास रखें, अपना आक्षेप अपने पास रखें। यह बहस देश के ऊपर है, यह बहस जम्मू कश्मीर पे है। अगर आपको आक्षेप लगाना है तो अपने पास रखें। वकार एच भट्टी बोले, वकार एच भट्टी बोले, यह मेरे स्तर से नहीं हो रहा है, यह मेरे स्तर से नहीं हो रहा है जयराम जी, यह मेरे स्तर से नहीं हो रहा है। आप हम तीन बहस करते हैं,
बकारक भट्टी बोले, प्लीज बोले, आरोप लगाए वो ठीक है, प्लीज बोले बकारक भट्टी, नहीं देना चाहिए, प्लीज बोले बकारक भट्टी, मैं बोल रहा हूँ बकारक भट्टी, प्लीज बोले, मैं एसपी वैद साहब से कुछ बकारक भट्टी, प्लीज बोले, हाथ जोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता से निवेदन करता हूँ, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, ये फैसला मेरे नहीं है कि आपकी आवाज खामोश हुई हो, ये इस वक्त एसपी वैद साहब से बात हो रही थी, लिहाजा उनकी बात सामने रखी गई, एसपी वैद साहब की बात आप सबने सुनी, अब बकारक भट्टी का भी हक है, बकारक भट्टी थैंक यू सो मच, इसका मुंह बंद किया सर आपको, मेरी आवाज मिल रही है, मुंह बंद आतंकवादियों का हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता, बकारक भट्टी सम्मान से बोले, मुंह बंद आतंकवादियों का करना है, सर मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी सब बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमेशा बहुत समझदार रहे डीजीपी रहे हैं, और मैं सर सिर्फ उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वैसे साहब आप हमेशा जब आप यूनिफॉर्म में थे, जब ऑन ड्यूटी आप थे, और आप भी हमेशा उस टाइम की मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, आपके बाइट सुनता हूँ, आप ये कहते थे कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है, मिलिटेंसी कमर टूट गई है, पाकिस्तान अब सब सीख जाएगा, सब पाकिस्तान अब घबरा चुका है, फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है, तो जब आप डीजीपी थे तब भी आप यही बोलते थे, और आज आप मैं बड़ी इज्जत से आपसे पूछ रहा हूँ कि हेलो वकारज भट्टी भी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। एक अंतहीन बहस जब होती है जिसमें सिर्फ अपनी बात रखने की बात होती है तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और इससे जूझना हमारी मजबूरी भी होती है, लेकिन मैं एसपी वैद साहब आपके पास और फिर उसके बाद दीपक झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास आता हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 1965 में अयूब खान ने भारत के ऊपर एक युद्ध थोपा था, एलओसी पार करने का क्या वाकई आपको लगता है वक्त आ गया है? क्या हम नारों से हटकर अब एलओसी पार करने के ऊपर गंभीरता से सोचे? क्या आपको ऐसा लगता है? राजीव जी, मैं बिल्कुल इस ओपिनियन को मानता हूं कि अब वो वक्त आ गया है, पाकिस्तान हमें एलओसी क्रॉस करनी, ऑलरेडी जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल ब्लफ था पाकिस्तान का, वो भारत ने ऑलरेडी उसको नंग वो बिल्कुल पर्दावाश किया है, और अब वक्त आ गया है पाकिस्तान अगर ऐसी कोई भी हरकत करता है उसको हम फौज को अंदर जाने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। वो जो 99 में कारगिल वार हुई थी उस वक्त पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, लेकिन बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी फौज को कि आप हमारी एयरफोर्स को भी कि आप एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। आज वो स्थिति नहीं है, मैं समझता हूं हमें अगर अंदर जाके भी हिट करना पड़े करना है, मैं बहुत हो गया 30-35 साल, कब तक बर्दाश्त करेगा भारत, और इतनी जाने हमारी गई हैं 40-50 हजार, अब दुनिया पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है, वो 90s का समय गया कि ह्यूमन राइट्स और ये एक्सप्लेन और वेस्ट पूरा इकट्ठा हो जाए, आज सबको मालूम है पाकिस्तान क्या करता है, और इंडिया को पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का, और करना चाहिए और पूरी फोर्स के साथ करना चाहिए, और इनके दांत खट्टे कर देने चाहिए, इनके दांत खट्टे कर देने चाहिए, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूं सर कि कम से कम इससे पहले उन लोगों को देखा जाना जरूरी है। आप चलते चलते, क्योंकि मेरे पास अब समय कम है, चलते चलते मुझे इतना जरूर बता दीजिए, UGW और OGW क्या ये असल जड़ नहीं है, और इस पर अब तक सिंसियरली क्या काम किया गया है इनको टैकल करने के लिए? जी ये असल प्रॉब्लम ये भी है, और कश्मीर घाटी में इस पे आर्टिकल 370 हटाने के बाद काफी काम हुआ, उसी के बाद ये सुधार आपने देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा जैसे 15 साल जम्मू रीजन बिल्कुल फ्री था, पिछले 2000 मैं आईजी जम्मू था 2004 से 2008, और उसी पीरियड में 6-7 7-8 के बाद कोई इंसिडेंट होना बंद हो गया था जम्मू रीजन में पिछले 2 साल से। मेरे पास समय कम है सर, मैं दीपक झा को आखिरी रिमार्क यहां पर देना चाहूंगा। दीपक जी, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का क्या सोचना है, हल क्या होगा, कब तक हासिल होगा, कब तक हम यूं ही खून खराबा देखेंगे?
अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी, आपकी आवाज बंद है, अनम्यूट कीजिए खुद को। अच्छा देखिए राजीव भाई, सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, देश की एकता के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन सरकार के साथ है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार विपक्ष को कितना महत्व देती है। जो सरकार नरेंद्र मोदी की गारंटी देती थी, सिर्फ वन मैन शो करना चाहते थे, तो विपक्ष को कहीं काउंट ही नहीं करते थे। अब एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए में बहुत सारे दल है और मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पे विपक्षी दलों के साथ बैठ के सरकार एक महत्वपूर्ण चर्चा करे और आगे का कदम उठाए, ना कि नरेंद्र मोदी जी का 56 इंची सीना दिखाए। चलिए जो भी कदम हो, कम से कम देश सुरक्षित हो। आपने चर्चा की बात की, मैं भी आपके साथ हूँ, ये चर्चा हो, सबकी सहमति भी बने, लेकिन एक्शन उससे पहले दिखे तो कहीं बेहतर। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े। किसी भी तरह की कोई बातचीत में अगर दिक्कत आती है, जिससे संकेत ठीक नहीं, संदेश नहीं पहुंचता, तो उससे समस्या सभी को भी होती है, लेकिन देश के सवाल में एक बात साफ कि अब कड़े एक्शन की जरूरत तो आ गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन की सफाई सामने आ गई है।